तो दोस्तों पिछले कुछ समय से मैंने आपको लगातार खबरें दी है भारत और ताइवान के एक नए गठजोड़ को लेकर, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ताइवान की कंपनियां भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और भारत के अंदर चिप निर्माण हो या सेमीकंडक्टर वगैरह हो, इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जता रही है। और ऐसा करने के पीछे कई सारे कारण है। वो लोग चाइना छोड़ना चाहते हैं, भारत एक अच्छा माहौल प्रदान कर रहा है, इसके साथ साथ भारत इंसेंटिव बहुत सारा दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें ताइवान की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और भारत भी ये चाहता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर प्रीवियसली बात कर चुके हैं। ताइवान इस समय सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 70-90% तक का मार्केट होल्ड करता है। अगर किसी दिन चाइना द्वारा उसके ऊपर इन्वेट करने की कोशिश की गई, कोई युद्ध थोप दिया, तो पूरी दुनिया, भारत छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया 90% तक लॉक हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां नहीं आए इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग देश इन सब कामों में जुट चुके हैं। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, भारत खुद $10 बिलियन की इंसेंटिव अनाउंस कर चुका है। पिछले साल की बात की जाए यानी 2022 की, तो चाइना द्वारा $290 बिलियन इन्वेस्ट किए गए, जो कि रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। क्योंकि इसके बाद यूएस को देखें तो वो भी $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वो लोग भी $40 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पैसे के दम पर जो गिनी चुनी दुनिया की कंपनियां हैं जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती है, उन्हें अपने यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारत भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि 75% तक का इन्वेस्टमेंट खुद करने के लिए तैयार है। कंपनीज को कहा जा रहा है कि आप केवल 30% तक का इन्वेस्ट कीजिए और आइए भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण कीजिए। रिसेंटली माइक्रोन वाले केस में हम लोगों ने देखा, माइक्रोन ने केवल $800 मिलियन इन्वेस्ट किए, तो वहीं पर भारत की तरफ से इंसेंटिव उन्हें $1.9 बिलियन का दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों इतने बड़े स्केल पर ये सारे बड़े बड़े देश लालच दे रहे हैं इन कंपनीज को? तो इसके पीछे का कारण यही है कि अपने खुद के देश में इकोसिस्टम तैयार किया जाए ताकि ताइवान के ऊपर की निर्भरता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसके बाद ताइवान जाने और चाइना जाने, कुल मिलाकर ये सीधा फंडा है। अब भारत की अगर बात की जाए तो माइक्रोन जो कि अमेरिकन कंपनी है जो कि भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, ये एक शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी डील हुई थी जो कि $19.5 बिलियन की थी, यानी लगभग $20 बिलियन ही आप मान लीजिए, और एक ज्वाइंट वेंचर तैयार हुआ था वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में। अब वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में क्या क्या इश्यूज बीच में हुए, इन सबको लेकर भी मैंने एक पूरी सीरीज के तहत आपको सारी खबरें बताई। कई बार इन दोनों कंपनियों के बीच में बहुत सारी खटास डेवलप हुई, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उस खटास को लेकर दोनों कंपनियों की तरफ से सफाइयां पेश की गई, वो सारी कुछ चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको फॉक्सकॉन के यहां तक के दावे बताए कि फॉक्सकॉन ने कई सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया है जो कि भारत के अंदर उन्हें चिप और सेमीकंडक्टर निर्माण में मदद करने जा रही है। इन्होंने स्किल्ड इंजीनियर्स की एक टीम भी हायर कर ली है जो कि भारत के अंदर ये सारा काम करने जा रही है। गुजरात में जो इनका प्लांट डलने वाला है उसको लेकर इन लोगों ने तैयारियां कर ली है। इस तरह की तमाम खबरें हम लोगों को पास्ट में देखने के लिए मिली, और पास्ट बोले तो रिसेंट पास्ट, पिछले एक महीने की बात की जाए। लेकिन दोस्तों अब एकदम से खबर निकल कर ये आ रही है कि फॉक्सकॉन और वेदांता, फॉक्सकॉन मैं आपको बता दूं कि एक ताइवानी कंपनी है और वेदांता एक भारतीय कंपनी है, जिनके बीच में ज्वाइंट वेंचर तय हुआ था और ये लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप भारत के अंदर बनाने जा रहे थे। अब इनको लेकर खबरें ये निकल कर आ रही है कि ज्वाइंट वेंचर से दोनों अलग हो चुके हैं, यानी फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों आपस में मिलकर काम नहीं करने वाले हैं। और ये बहुत बुरी खबर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो इस क्षेत्र में ड्रीम है आत्मनिर्भर होने का, भारत के अंदर इकोसिस्टम डेवलप करने का, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था ये ज्वाइंट वेंचर। लेकिन अफसोस की बात कि दोनों कंपनीज अपने अपने राह पर अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर कई सारे डिस्प्यूट निकलकर सामने आ रहे हैं जो हमने पास्ट में भी बात की और अभी भी मैं आपको शॉर्ट में बताने चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात देखने के लिए तो ये मिल रही है कि फॉक्सकॉन हो या फिर भारतीय वेदांता हो, दोनों को ही चिप निर्माण या फिर सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग ये फ्यूचर में करने जा रहे थे उसके लिए किसी तीसरी कंपनी की इन्हें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि गवर्नमेंट भी इन्हें इंसेंटिव देने में काफी ज्यादा झिझक रही थी। और जो बीच में खबरें निकल कर आई थी कि फॉक्सकॉन भारत के अंदर इन्वेस्ट तो करेगा और भारत के अंदर जो चिप निर्माण के लिए उसने संकल्प लिया है उसे पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए किसी दूसरी कंपनी की तलाश उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। तो अब बिल्कुल कुछ इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है। यहाँ पर अच्छी बात देखने के लिए हालांकि ये मिली है कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों की तरफ से कहा गया है कि देखिए अलग तो हो गए हैं, लेकिन भारत के अंदर मेक इन इंडिया को समर्थन देना और चिप निर्माण के लिए यहाँ पर इकोसिस्टम को डेवलप करना, इसके लिए दोनों ही कंपनियां प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है।
और दूसरे रास्तों से इन सब कामों को ये लोग भारत के अंदर करेंगे, लेकिन ये लोग आपस में मिलकर किसी तरह का कोई ज्वाइंट वेंचर अब आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये खबर जैसी निकल कर आई मॉर्निंग से ही मैं लगातार देख रहा हूँ, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर भी एक डिबेट सी छिड़ चुकी है इन सब चीजों को लेकर, और लोग काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ी डील थी ये, काफी बड़ा ज्वाइंट वेंचर था और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अफसोस कि अब ये ज्वाइंट वेंचर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि ऐसा सोचने की अब आवश्यकता नहीं है कि ये ज्वाइंट वेंचर चूंकि अब आगे भविष्य में एक साथ काम नहीं करेगा तो अब शायद इस काम से हम लोग भी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। नहीं, हमारी तरफ से जो भी इंसेंटिव जारी किए गए थे, जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी चिप निर्माण के लिए, वो सारी एज इट इज चलती रहेगी। दुनिया की कई और सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ इस समय बातचीत चल रही है। अगर ताइवान की ही बात की जाए तो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि ताइवान की केवल फॉक्सकॉन ही नहीं, कई और सारी कंपनियां भारत आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो डेफिनेटली उन्हें भी इन सुविधाओं को दिया जाएगा तो वो बिल्कुल फ्यूचर में आ सकती है। लेकिन ये जो ज्वाइंट वेंचर अब टूट चुका है, इसकी वजह से काफी हद तक डिले जरूर हुआ है, जो कि शायद इतने क्रूशियल टाइम पर नहीं होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली भारत के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि एक तो प्रयास छोड़े ना, लगातार प्रयास करते रहे, और दूसरी बात कि इंसेंटिव के रूप में जो लालच दी जा रही थी कंपनीज को, उसमें और बढ़ोतरी की जाए, जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है या बाकी देश कर रहे हैं, ठीक इसी तरह की कोशिशें करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द दूसरी एक्सपीरियंस कंपनियां भारत आने के लिए तैयार हो।